Namaskar and welcome to e-learning platform of competition community. My name is Pokhraj We are learning Chhattisgarh general studies and today's topic is formation of districts in Chhattisgarh. Now before starting our today's lecture, let us understand what is the scope of learning today. So first of all, we'll understand what are districts. That means what is meaning of the district. Secondly, we'll see what are the number of districts in Chhattisgarh. And finally we'll be seeing the formation of districts in छत्तीसगढ़. Now we have already discussed in our last lectures कि what is the meaning of a district. But फिर से एक बारी से देख लेते हैं. तो मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी बड़ा अगर एक geographical area है, तो उस area को actually administer कर पाना बहुत मुश्किल है. फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हमारा स्टेट छत्तीसगढ़ अपने आप में बहुत बड़ा है इसका एरिया कल कितना देखे थे अपन तो एरिया था 1.35 पॉइंट थ्री फाइव लैक स्क्वायर किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली अब इस पूरे एरिया को एक सिंगल पॉइंट से एडमिनिस्टर करना बहुत मुश्किल है तो इसको सब डिवाइड किया गया जिसे कहा गया डिविजन्स तो ऐसे कुछ डिविजन्स थे छत्तीसगढ़ में हमने देखा था सरगुजा बिलासपुर दुर्ग रायपुर और फाइनली बस्तर डिवीजन। लेकिन अगर देखें अपने आप में दैट मीन्स ईच ऑफ दीज डिविजन्स इन देम सेल्वस आ वेरी लार्ज इन साइज मतलब बस्तर अपने आप में बहुत बड़ा है सरगुजा डिवीजन भी अपने आप में बहुत बड़ा है तो इनको खुद को एडमिनिस्टर करना अभी भी थोड़ा सा डिफिकल्ट ही है तो इसलिए क्या किया गया इन डिविजन्स को फर्दर सब डिवाइड किया गया छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में और इन्हीं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को कहा गया डिस्ट्रिक्स दैट मीन्स सरगुजा को और डिवाइड किया गया छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में और क्या कह दिया गया इन्हें ही डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे ही पूरे स्टेट को हमने डिवाइड किया डिविजन्स में और फिर डिविजन्स को डिवाइड किया डिस्ट्रिक्ट में तो डिस्ट्रिक्ट आर नथिंग बट दे आर स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स विच आर एक्चुअली क्रिएटेड फॉर द सेक ऑफ ईज इन एडमिनिस्ट्रेशन आई होप अब आप सभी को क्लियर है कि डिस्ट्रिक्ट क्या होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था कि छत्तीसगढ़ में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं तो दैट ऑल्सो वी हैव सीन कि छत्तीसगढ़ में प्रेजेंटली ट्वेंटी एट डिस्ट्रिक्ट है और फाइनली इन डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन वाइल रीडिंग द न्यूज पेपर्स यू गाइज मस्ट कम अक्रॉस की छत्तीसगढ़ में एक नया डिस्ट्रिक्ट बना ट्वेंटी एट डिस्ट्रिक्ट जिसका क्या नाम था गौरेला पेंड्रा मरवाही नाउ लेट मी टेल यू कि इसके दो इन्फ्रेंसेज हैं मतलब इसके दो मीनिंग्स हैं पहला मीनिंग तो हो गया कि ये छत्तीसगढ़ का न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट है ट्वेंटी एट्थ डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है गौरेला पेंड्रा मरवाही और इसका सेकेंड इन्फ्रेंस ये हो गया कि एक डिस्ट्रिक्ट बस अभी क्रिएट किया गया तो छत्तीसगढ़ में तो टोटल ऐसे 28 डिस्ट्रिक्ट्स है ना मतलब ऐसे 28 डिस्ट्रिक्ट्स जो है छत्तीसगढ़ में अलग अलग समय में फेज वाइज बने होंगे दैट मींस कि ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली क्रिएट नहीं हुए हैं बल्कि इन्हें फेजेस में क्रिएट किया गया है एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ़ टूडेज लेक्चर इज़ टू अंडरस्टैंड दोज फेजेस इन्हीं फेजेस को हमको समझना है कि छत्तीसगढ़ में ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनको कितने फेजेज में और कब कब जो है बनाया गया तो पहला क्वेश्चन था कि कितने फेजेस में बनाया गया तो देखते हैं छत्तीसगढ़ में एट फेजेस में डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन हुआ है कितने फेजेज में एट फेजेस में अब इसको हमने तीन पार्ट्स में बांट रखा है कौन कौन से तीन पार्ट में बांट रखा है तो देखते हैं तो ये जो कंप्लीट फॉर्मेशन प्रोसेस है वी हैव डिवाइडेड दैट प्रोसेस इनटू थ्री पार्ट्स द फर्स्ट पार्ट इज बिफोर इंडिपेंडेंस दैट मींस बिफोर 1947। तो बिफोर इंडिपेंडेंस छत्तीसगढ़ में 1861 में डिस्ट्रिक्स का फॉर्मेशन हुआ था और साथ में 1906 में क्लियर सेकेंड पार्ट हमने रखा है फ्रॉम द इंडिपेंडेंस टू द फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ दैट मीन्स फ्रॉम 1947 फोर्टी सेवन टू दर टू थाउजेंड और इस समय में छत्तीसगढ़ में नाइन्टीन फोर्टी एट में नाइनटीन सेवेंटी थ्री में और नाइन्टीन नाइन्टी एट में डिस्ट्रिक्स का फॉर्मेशन हुआ और फाइनली थर्ड पार्ट है 2000 ऑनवर्ड्स मतलब 2000 के बाद तो 2000 के बाद छत्तीसगढ़ में 2007, 2012 और 2020 में डिस्ट्रिक्स का फॉर्मेशन हुआ है अगर तीनों पार्ट्स को हम जोड़ दें तो कितने फेजेस हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट तो दैट इज़ व्हाट आई टोल्ड यू कि छत्तीसगढ़ में एट फेज में डिस्ट्रिक्स का फॉर्मेशन हुआ है वन मोर थिंग टू अंडरस्टैंड इस कि छत्तीसगढ़ में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं ट्वेंटी एट और फेजेस कितने हैं एट मतलब छत्तीसगढ़ में बहुत से ऐसे फेजेस होंगे जिनमें मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन होगा तो इस टॉपिक को पूरा का पूरा हम पढ़ेंगे कैसे तो मैप्स के फॉर्म पे ताकि आपको याद रखने में बहुत आसानी हो आप बहुत आसानी से इसको मेमोराइज कर सके आप घर पे भी प्रैक्टिस करेंगे तो मैप लेके ही प्रैक्टिस करेंगे नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस दैट मीन्स बिफोर द ईयर नाइनटीन फोर्टी सेवन तो इंडिया वॉज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स फर्स्ट पार्ट वॉज नोन एज ब्रिटिश प्रोविंस एंड सेकेंड पार्ट वॉज नोन एज प्रिंसली एस्टेट्स तो ब्रिटिश प्रोविंस वो प्रोविंस या एरियाज या जोग्राफिकल यूनिट्स थे जो कि डायरेक्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते थे प्रिंसली एस्टेट्स वो जोग्राफिकल यूनिट्स थे जिन पे कोई डायनेस्टीज रूल करती थी लेकिन इवेंचुअली आप देखेंगे कि वो भी इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स के द्वारा ही एडमिनिस्टर किए जाएंगे तो छत्तीसगढ़ में भी सेम सिनारियो वॉट वी सी इन ग्रीन एंड ब्लू इज द एरिया डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय द ब्रिटिशर्स And what we see in pink is the area of princely estates. तो छत्तीसगढ़ में ऐसे 14 princely estates हुआ करते थे Clear? One more thing, क्या छत्तीसगढ़ का मैप शुरू से ऐसा था तो it was not like that. ठीक है तो ध्यान में आपको यह रखना है कि छत्तीसगढ़ बिफोर द पार्टीशन ऑफ बंगाल पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1905 में तो 1905 से पहले एक्चुअली छत्तीसगढ़ में ये जो आज का सरगुजा डिवीजन वाला एरिया है दिस वाज नॉट अ पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ रादर यहां पे आज के उड़ीसा का जो संबलपुर है दैट वाज द पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ क्लियर आप समझ गए कि यह छत्तीसगढ़ का पार्ट नहीं था बल्कि संबलपुर उस समय छत्तीसगढ़ का पार्ट था लेकिन ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं जब 1905 में बंगाल का पार्टीशन होता है और ये जो सरगुजा डिवीजन वाला एरिया है ये हमें मिल जाता है और ये जो संबलपुर वाला एरिया है ये बंगाल प्रोविंस में चला जाता है तो हम संबलपुर को अभी कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि प्रेजेंटली छत्तीसगढ़ का पार्ट संबलपुर नहीं है नाउ लेटस कम टू द फर्स्ट फेज द फर्स्ट फेज वॉज इन द ईयर 1861. तो 1861 में एक नए ब्रिटिश प्रोविंस जो है उसका फॉर्मेशन होता है एंड दैट प्रोविंस वाज़ नोन एज सेंट्रल प्रोविंस इस सेंट्रल प्रोविंस में छत्तीसगढ़ वाज़ इंक्लूडेड और छत्तीसगढ़ में तीन डिस्ट्रिक्ट बनाए जाते हैं द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट व्हाट वी सी इन ग्रीन इज बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट एंड दी सेकेंड डिस्ट्रिक्ट वॉट वी सी इन ब्लू इज योर रायपुर डिस्ट्रिक्ट तो मैंने कहा छत्तीसगढ़ में तीन बनाए जाते हैं तो थर्ड वॉज योर संबलपुर बट वी आर नॉट कंसिडरिंग संबलपुर वंस अगेन बिकॉज संबलपुर इज नॉट इन छत्तीसगढ़ प्रेजेंटली तो हम अभी मानेंगे कि दो ही डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हमारे यहां से एक बना रायपुर और एक बना बिलासपुर तो 1861 में कितने डिस्ट्रिक्ट बने तो दो डिस्ट्रिक्ट बने कौन कौन से पहला बिलासपुर एंड सेकेंड रायपुर क्लियर नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट फेज दैट इज इन दर नाइनटीन जीरो सिक्स अब इस ईयर में प्रेजेंट रायपुर डिस्ट्रिक्ट जो था उसका वेस्टर्न पार्ट निकाल के एक दुर्ग डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन होता है तो नाइनटीन जीरो सिक्स में सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट बनता है दैट इज दुर्ग और कैसे बनता है तो रायपुर डिस्ट्रिक्ट को रीऑर्गेनाइज किया जाता है उसके वेस्टर्न पार्ट को निकाल के दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म पे बनाया जाता है सो दीज वर दी टू फेजेस बिफोर इंडिपेंडेंस नाउ लेट इस कम टू दी नेक्स्ट पार्ट दैट इज आफ्टर इंडिपेंडेंस दैट मीन्स आफ्टर नाइनटीन फोर्टी सेवन वेन इन नाइनटीन फोर्टी सेवन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस तो ये जो प्रिंसली एस्टेट्स थे आप सभी को पता है इनका असेशन हुआ इंडियन यूनियन में इसका मतलब इंडिया में ये सभी प्रिंसली एस्टेट्स जो हैं वो शामिल हो जाते हैं तो उसके बाद फिर से ईयर 1948 में छत्तीसगढ़ में नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाने का काम चालू होता है तो इस समय हम देखेंगे दिस इज मैप फ्रॉम 1906 तो इस मैप में आप देखें नीचे जो दो प्रिंसली एस्टेट्स थे दैट मीन्स योर कांकेर एस्टेट एंड योर बस्तर एस्टेट इन्हीं दोनों को मिला के एक डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है विच इज नोन एज योर बस्तर डिस्ट्रिक्ट नेक्स्ट जशपुर रायगढ़ सारंगढ़ ये जो तीन प्रिंसली एस्टेट्स थे इनके एरिया को कंबाइन करके एक नया डिस्ट्रिक्ट बनता है जिसका नाम था रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट इसके अलावा चार प्रिंसलीट चांग भखार कोरिया उदयपुर और सरगुजा इन चारों प्रिंसली एस्टेट्स को मिला के बनाया जाता है योर सरगुजा डिस्ट्रिक्ट्स तो ये तीन नए डिस्ट्रिक्ट्स बनते हैं 1948 में तो पहले बस्तर किसको किसको को मिला के तो कांकेर और बस्तर प्रिंसली एस्टेट को सेकेंड डिस्ट्रिक्ट बना था आपका रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ सारंगढ़ और जशपुर प्रिंसली एस्टेट्स को मिला के और थर्ड डिस्ट्रिक्ट बना सरगुजा डिस्ट्रिक्ट जो किसको किसको मिला के बना तो आपके चांग भखार उदयपुर एस्टेट सरगुजा एस्टेट और कोरिया एस्टेट को मिलाकर ये बना इसी समय साइमल्टेनियसली कवर्धा छुई खदान खैरागढ़ और राजनाथगांव ये जो चार प्रिंसली एस्टेट्स थे इनके एरिया को दुर्ग में मर्ज कर दिया गया तो चार प्रिंसली एस्टेट्स, राजनाथ खैरागढ़ छुई खदान एंड कवर्धा ये चारों के चार प्रिंसली एस्टेट्स के जो एरिया थे इनको दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में इंक्लूड कर दिया गया फिर 1948 के बाद नेक्स्ट फेज आता है 1973 का तो ये जो मैप है ये है 1948 का और ये मैप है 1973 का तो 1948 में जो चार प्रिंसली एस्टेट्स थे छत्तीसगढ़ के वेस्टर्न मोस्ट साइड में मतलब कवर्धा राजनाथगांव छुईखदान खदान और खैरागढ़ इन सभी के एरिया को मिला के जिन्हें पहले दुर्ग में रख दिया गया था न्यू डिस्ट्रिक्ट अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट वॉज फॉर्म्ड विच वॉज नोन एज राजनाथ गाँव डिस्ट्रिक्ट क्लियर ना फाइनली बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ एक लास्ट फेज था ईयर नाइनटीन नाइन्टी एट का आपको ध्यान रखना है नाइनटीन नाइन्टी एट में नाइन डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन हुआ अब नाइन डिस्ट्रिक्ट को आपको याद रखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी तो इसको आसानी से याद रखने के लिए क्या करना है तो वी हैव टू एक्चुअली मेमोराइज इट डिवीजन वाइज दैट मीन्स कि सबसे पहले सरगुजा डिवीजन में कौन से डिस्ट्रिक्ट बने फिर वील सी बिलासपुर डिवीजन में कौन से डिस्ट्रिक्ट बने फिर दुर्ग डिवीजन में फिर रायपुर डिवीजन में और फाइनली बस्तर डिवीज़न में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बने तो वी विल स्टार्ट विद दी सरगुजा डिवीज़न। तो 1948 में दिस वाज द मैप ऑफ योर सरगुजा 1998 में यू कैन सी सरगुजा का वेस्टर्न हाफ निकाल के न्यू डिस्ट्रिक्ट वाज फॉर्म्ड विच वाज एक्चुअली नोन बाय दी नेम कोरिया डिस्ट्रिक्ट ठीक Secondly, in the present day Sarguja division only, but a part of Raigad district was dissociated and it came to be known as a separate district by the name of Jashpur. Actually, this was the area of Jashpur princely estate only, but since it was dissociated from Raigad, Raigad is now the पेरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जशपुर बट वी आर टॉकिंग डिविजन वाइज तो है सरगुजा डिविजन में बट पेरेंट डिस्ट्रिक्ट इसका था रायगढ़ तो इन दिस मैनर सरगुजा डिविजन में दो नए डिस्ट्रिक्ट बने नाइनटीन नाइनटी एट में फर्स्ट वॉज कोरिया एंड सेकेंड वॉज जशपुर नाउ लेटे सी बिलासपुर डिवीजन सो दिस वॉज द मैप ऑफ बिलासपुर डिविज़न फ्रॉम नाइनटीन हंड्रेड एंड एट और नाइनटीन एट में बिलासपुर डिवीज़न में दो डिस्ट्रिक्ट बन जाते हैं फर्स्ट वॉज योर कोरबा एंड सेकेंड वॉज योर जांजगीर चापा तो दो सरगुजा डिविज़न में बने कोरिया और जशपुर दोनों एक्सट्रीमिटीज़ में उसके बाद दो बने बिलासपुर डिविज़न में दोनों ऊपर नीचे तो ऊपर कोरबा नीचे जांजगीर चांपा नाउ लेट जम टू दी प्रेजेंट ए दुर्ग डिविजन तो यू कैन सी दी पिक्चर ऑफ दुर्ग डिविजन दिस इज फ्रॉम नाइनटीन हंड्रेड एंड सेवेंटी थ्री क्योंकि यहां पर राजनाथ गांव बन चुका है क्लियर तो दुर्ग डिविजन से यू कैन सी अ पार्ट ऑफ राजनाथ गांव डिस्ट्रिक्ट एंड सम पार्ट ऑफ बिलासपुर वॉज टेकन एंड अ न्यू डिस्ट्रिक्ट विच वॉज नोन एज कवर्धा म इन टू एग्जिस्टेंस मतलब 1998 में दुर्ग डिवीज़न में एक डिस्ट्रिक्ट बना जिसका नाम था कवर्धा तो सरगुजा में बने दो जशपुर एंड कोरिया सेकेंडली बिलासपुर में फिर से दो कोरबा जांजगीर चांपा दुर्ग में एक कवर्धा नाउ लेट्स कम टू दी रायपुर डिस्ट्रिक्ट सो दिस वॉज द पिक्चर ऑफ रायपुर डिस्ट्रिक्ट एंड यू कैन सी इन दर नाइनटीन नाइनटी एट रायपुर डिस्ट्रिक्ट में भी दो डिस्ट्रिक्ट बनते हैं रायपुर का ये सदन पार्ट निकाल के धमतरी बनाया जाता है और रायपुर का लगभग नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट निकाल के बनाया जाता है महासमुंद तो दैट मीन्स सरगुजा से दो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से दो डिस्ट्रिक्ट रायपुर से भी दो डिस्ट्रिक्ट और एक डिस्ट्रिक्ट दुर्ग से तो रायपुर से कौन कौन से दो डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट वॉज महासमुंद एंड सेकेंड वॉज योर धमतरी now finally your bastar division so this was your bastar division and in this bastar division you can see northern part was made as a kanke district and the southern part was made as dantewada district so finally bastar division may be do district bane. नॉर्थ में कांकेर साउथ में दंतेवाड़ा तो इन 1998 कुल नाइन डिस्ट्रिक्ट्स बने सरगुजा डिवीजन में दो बने बिलासपुर में दो बने दुर्ग में एक रायपुर में दो और फिर से बस्तर में दो तो एक बार वापस से सोच वापस से देख लेते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बने थे तो इन सरगुजा इट वॉज़ कोरिया एंड जशपुर इन बिलासपुर कोरबा एंड जांजगीर चांपा इन दुर्ग इट वॉज कवर्धा इन रायपुर इट वॉज़ महासमुंद एंड धमतरी एंड फाइनली इन द बस्तर डिवीजन द वर ंकेर एंड दंतेवाड़ा नाउ इन दी लास्ट पार्ट दैट मींस पोस्ट दी फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ तो पोस्ट दी फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ विट वॉज ओनली इन टू थाउजेंड से फर्स्ट टाइम मेनी डिस्ट्रिक्ट वॉज मेड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ तो देखिए दिस वॉज योर कांकेर बस्तर एंड दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम दर नाइनटीन नाइनटी एट and you can see in the year 2007 the western part of bastar was taken out and narayanpur was made in the same manner western part of dantewada was reorganized to form bijapur so in 2007 only two districts were formed narayanpur was formed from bastar and bijapur was formed from Dante Wada. The next phase was year 2012. So in the year 2012, once again nine districts were made. So we have this map from 2007 and this map from 2012. So if we compare and we see the Sarguja division first. टू डिस्ट्रिक्ट वो मेड इन सरगुजा डिविजन वेयर इन सरगुजा डिस्ट्रिक्ट वॉज रीऑर्गेनाइज टू फ्रॉम सूरजपुर एंड बलरामपुर मतलब सरगुजा डिविजन से फिर दो नए डिस्ट्रिक्ट बने जिसमें सरगुजा डिस्ट्रिक्ट को ही रीऑर्गेनाइज करके बनाया गया सूरजपुर और बलरामपुर नेक्स्ट कम टू दिलासपुर डिवीजन बिलासपुर डिवीजन में सिर्फ एक नया डिस्ट्रिक्ट बना जिसमें बिलासपुर को रिओर्गेनाइज करके बनाया गया मुंगेली वेन वी लुक इन टू दुर्ग डिवीजन तो यह जो पूरा का पूरा दुर्ग डिस्ट्रिक्ट था इस दुर्ग डिस्ट्रिक्ट को फिर से रिओर्गेनाइज किया गया बनाया गया बेमेतरा एंड बालोद दैट मीन्स सरगुजा डिविजन से दो बने बिलासपुर से एक दुर्ग से दो कौन कौन तो सरगुजा से बना था सरगुजा डिस्ट्रिक्ट से ही सूरजपुर एंड बलरामपुर बिलासपुर में बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से ही मुंगेली और दुर्ग डिवीजन में दुर्ग डिस्ट्रिक्ट से ही बेमेतरा एंड बालोद डन इन रायपुर डिवीजन आल्सो टू डिस्ट्रिक्ट्स वर मेड फ्रॉम रायपुर ओनली फर्स्ट वाज़ योर बलोदा बाजार एंड सेकंड वाज योर गरियाबंद ठीक और फाइनली इन बस्तर डिवीजन वंस अगेन टू डिस्ट्रिक्ट व मेड इन विच सुकमा वॉज मेड फ्रॉम दंतेवाड़ा एंड कोंडागांव वॉज मेड फ्रॉम बस्तर दैट मीन्स इन दर टू थाउजेंड ट्वेल्व वंस अगेन नाइन डिस्ट्रिक्ट व फॉर्म्ड और ये नाइन डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ थे तो दो सरगुजा डिविजन से नेमली सूरजपुर एंड बलरामपुर वन फ्रॉम बिलासपुर डिविजन नेमली mungeli two from durg division namely bemetra and balod two from raipur division namely baloda bazar and Garyaband, and finally two districts from your Basta division which were namely Gaon and sukma so this makes 27 districts and finally one district was actually

डिस्ट्रिक्ट नाउ इस पार्ट से आप कैसे क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो इसमें से फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको ईयर दे दिया होगा फॉर्मेशन का और डिस्ट्रिक्ट्स दे दिया होगा जिन्हें आपको कहेगा मैच करने के लिए या इसे इस टाइप से भी दे सकता है कि आपको सारे डिस्ट्रिक्ट्स दे दे और कहे इसमें से फाइंड दी ऑड वन आउट एग्जाम्पल के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट दे दे जिनका फॉर्मेशन हुआ है 1998 में और साथ में आपको दे दे, दे बीजापुर तो ऑड वन आप निकालेंगे क्या बीजापुर क्यों क्योंकि बीजापुर का फॉर्मेशन हुआ है टू में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आपको दे सकते हैं जिसमें एक रेट्रोस्पेक्टिव डेट दे दे आपको और उस डेट में पूछे कि छत्तीसगढ़ में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने थे फॉर एग्जांपल आपको दे दे ऑन फर्स्ट ऑफ नवंबर 2000 थाउजेंड वॉट वॉज दी नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट दैट वो प्रेजेंट इन छत्तीसगढ़ तो आई होप इस लेक्चर को सुनने के बाद यू कैन ईजीली मेक आउट कि कब कब छत्तीसगढ़ में कितने कितने डिस्ट्रिक्ट रहे होंगे आई होप यू गाइज वुड हैव लाइक दिस वीडियो आपसे मुलाकात होगी आने वाले लेक्चर्स में तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर